एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। एक्चुअली ये वीडियो मेरी मंथ जून की है। मैं अपने मैके में रहने के लिए गई थी और एज यूजुअल सब लोग बैठे हुए थे, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे और अचानक से भाई ने बोला कहीं घूमने चलते हैं। तो सबने इधर उधर अपने अपने प्लान बताए, बट फिर भाई ने ही बोला चलो शिरडी चलते हैं। अब शिरडी का नाम सुनते ही मैं तो फूली नहीं समाई, और मुझे साईं पर इतना ट्रस्ट है, मैं साईं को बहुत मानती हूँ। वैसे तो सारे भगवान एक जैसे होते हैं, सब भगवान एक ही होते हैं, बट होता है ना कभी कभी आप किसी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो ऐसे ही साईं मेरे लिए बहुत कुछ हैं। हर सुख में हर दुख में मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। और घर पर तो मेरी ऐसे मजाक भी बनाई जाती है, कभी कभी क्या होता है मेरी कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं वही बोलती हूँ ओम साईं राम मिल जाए, ओम साईं राम मिल जाए, वो मुझे मिल जाती है। और सब लोग यही बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी साईं बाबा को परेशान करती रहती है। तो मेरी तो बहुत ही श्रद्धा है साईं पर, और मैंने बहुत बार ट्राई किया। मैं पहले बैंगलोर में थी तो मैंने सोचा वहाँ से शिरडी चलते हैं, और नहीं जा पाई बहुत बार प्लान करने के बाद भी। फिर मैं हैदराबाद में आई तो वहाँ कोविड हो गया, तब भी नहीं जा पाए। तो इस बार जब सुना तो फिर मना नहीं हुआ और बोला कि ठीक है हम चलते हैं। भाई ने रिजर्वेशन कराया तो फिर वेटिंग में आई, और हमारी श्रद्धा थी, हम बोलते रहे ओम साईं राम ओम साईं राम। हमारी वो वेटिंग से कंफर्म हो गई और फिर हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही पार्ट में डालूंगी, तो मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट आप अभी देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड आप बाद में देखेंगे। आपको वीडियो डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं सब कुछ, और मेरे साथ तो आपको साईं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। साईं क्या है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो साईं को इतना मानते होंगे। तो अगर मैं साईं की बातें करूँगी तो शायद ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो बिना किसी डिले के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप सबको हेलो बोलना तो बनता ही है, और हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे। पहले हम यहाँ दिल्ली आए हैं, फिर अब दिल्ली से हम मेट्रो में बैठेंगे, मेट्रो से फिर हम अपने स्टेशन जाएंगे और फिर अपनी ट्रेन में बैठेंगे जिसमें हमने रिजर्वेशन कराया है। आप बाई एयर भी आ सकते हैं, शिरडी में साईं इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके है, वो शिरडी में ही है, तो आप बाई एयर भी जा सकते हैं। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, अभी हम मेट्रो में बैठे हैं और अब हम मेट्रो से एग्ज़िट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं, बस उनको तो लग रहा है हम लोग घूमने जा रहे हैं। इसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए थे, और मैंने ट्रेन में बैठने के बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस एक छोटी सी क्लिप है जब हम सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी सीट पकड़ी और आराम से हम लोग सो गए। बहुत लंबा सफ़र था हमारा, तो थकान भी हो गई थी और फिर कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो बस मैंने ये स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत क्लिप ली है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए थे मनवाड़ स्टेशन, और मनवाड़ स्टेशन से करीब 58 है शिरडी। आप कोपर गांव स्टेशन भी रुक सकते हैं और आप नागरसोल स्टेशन भी रुक सकते हैं। ये स्टॉप आते हैं जो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मार्केट बीच में दिखाई दिया मुझे, बहुत सुंदर सुंदर टेडी बियर थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम पहुंच गए थे अपने होटल, होटल का नाम था हमारा होटल साईं प्रभा। ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही था और इनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, हमें कहीं भी जाना था तो ये कार भी प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ पर हर चीज़ आपको साईं के नाम से ही मिलेगी, कोई भी शॉप कोई भी रेस्टोरेंट सब आपको साईं के नाम से ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अपने 2 रूम बुक कराए थे, और ये देख सकते हैं आप, एक बार मैं आपको रूम का टूर दे देती हूँ। काफ़ी अच्छा रूम था, नीट एंड क्लीन था, वॉशरूम भी एकदम क्लीन था। तो हम लोग फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद सबको भूख लग रही थी, तो हमने सोचा हम प्रसादालय चलते हैं और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे।
मंदिर जाते हुए यहाँ पर बहुत प्यारा मार्केट ये बना हुआ था। और एक बात यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, आपको शिरडी बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगेगा, आप कोई भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, कम बजट में भी आप शिरडी में घूम सकते हैं। तो आप सब भी एक बार शिरडी ज़रूर आना और मैं अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो अब हम यहाँ पर प्रसादालय पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने सुना था 10 रुपये की पर्ची बनती है पर पर्सन, बट उस दिन कोई पर्ची नहीं बन रही थी, शायद अब नहीं बनती, तो बिल्कुल ही फ्री था। और मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पर इतने लोग एक समय में खाते हैं, वहाँ पर आप अपनी इच्छा से दान पात्र में कुछ ना कुछ डाल दें, ताकि आपका भी सौभाग्य हो कि हाँ हमारी तरफ से भी थोड़ा सा हमने अपना योगदान दिया। तो ऐसी जगह पर आपको ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप देख सकते हैं इनका अरेंजमेंट कितना अच्छा होता है, कितनी फास्ट सर्विस देते हैं ये लोग, कितने प्यार से पूरी संगत को खिलाते हैं, एक बार में कितने लोग यहाँ पर खाते हैं। प्रसादालय से बाहर निकलने के बाद ये शिव सृष्टि एक म्यूज़ियम है, यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ की पर पर्सन एक एंट्री फीस देनी पड़ती है। और इसके अंदर आपको बहुत ही पुराने टाइम के अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे देखने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया। और ये बहुत अच्छे से देखिए तिलक वगैरह लगा के वेलकम करते हैं। इसके बाद हम बाहर निकले और मैंने देखिए ये रिकॉर्ड किए साईं बाबा, आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, उन्होंने अपने हाथ से सबको खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। फिर हम अपने होटल पहुँचे और हम लोग नहा धोकर मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए निकल गए थे। हम सभी ने येलो ड्रेस पहनी है, सभी का हमारा ड्रेस कोड येलो था, क्योंकि बृहस्पति के दिन येलो पहनते हैं, तो हम सब ने येलो पहना हुआ है और हम साईं बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। और देखिए कितना प्यारा मार्केट है, और बहुत दूर तक ये बहुत ही बड़ा मार्केट था। और मंदिर के अंदर कोई भी वीडियो फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था, बाहर ही वो सबमिट करा लेते हैं, तो अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बस मैं आपको यहाँ का ये मार्केट ही दिखा पाऊँगी, कितनी प्यारी लाइट यहाँ पर है। और मैं जैसे कि बोल रही थी, यहाँ पर साईं के नाम से रेस्टोरेंट है, साईं के नाम से शॉप है, तो सब कुछ यहाँ पर साईं के ही नाम से है। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, फिर हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं और हम सब ने फिर डिनर किया। और डिनर करने के बाद फिर हम अपने होटल में चले गए थे और होटल में फिर हम सो गए। अब हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे क्योंकि हमें साईं सिग्नापुर जाना था, और जो एक बार शिरडी आता है वो साईं सिग्नापुर भी ज़रूर जाता है। और ये शिरडी से 70 किलोमीटर पर है। यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर ये दुकानें मिल जाएंगी, जो फ्रेश करने का एकदम जूस यहाँ पर मिलता है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। देखिए इस तरीके से बैल से ये लोग निकालते हैं, यहाँ पर झूले वगैरह बच्चों के लगाए जाते हैं, पूरी बैलून की डेकोरेशन रहती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आप ऑटो बस किसी भी चीज़ से यहाँ पर आ सकते हैं। हमने कैब बुक की थी, पर पर्सन 200 चार्ज था, और मैं चार्ज इसलिए बताती हूँ ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे, जो भी फर्स्ट टाइम आए उसको पता रहे। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। मंदिर से स्टार्टिंग में ये मार्केट आता है, यहाँ पर आप तेल और प्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद ये मंदिर की मेन एंट्री है, और हमने अंदर जाने के बाद सबसे पहले अपनी सबने स्लीपर यहाँ पर सबमिट की, और सारे स्लीपर रखने के बाद एक टोकन मिलता है, वो हमने अपने पास रखा, क्योंकि जब हम जाएंगे तो वो टोकन देने के बाद अपनी स्लीपर फिर से ले लेंगे। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और हम सब मिलकर अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर पहले जो तेल चढ़ाया जाता था शनिदेव महाराज को, वो पहले डायरेक्ट शनिदेव महाराज पर चढ़ाया जाता था, बट अब वो कोविड के टाइम से शायद अब वो शनिदेव महाराज पर नहीं चढ़ाया जाता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी अब तेल कहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो जो भी शिरडी एक बार आए वो शनि सिग्नापुर भी ज़रूर आना, क्योंकि शनिदेव
तो देवों के देव होते हैं और हमेशा शनि देव की कृपा सब पर बनी रहे, कभी किसी से वो रुष्ट ना हो और उनकी दया दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। आज मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वजह से आप लोग दर्शन करेंगे। जो लोग पहले आ चुके हैं वो तो कर ही चुके होंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं वो लोग मेरे थ्रू दर्शन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, तेल यहाँ पर चढ़ाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तेल डायरेक्ट वो शनि देव पर ऑटोमेटिक ही चढ़ जाता है। और यहाँ पर फ़ोन और वीडियो दोनों अलाउड थे, तो आराम से यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से आपको दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए, ये पूरा मंदिर है, बहुत अच्छे से डेकोरेट है, बहुत पुराना मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े होके और आपको यहाँ पर दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए, ये हैं शनि सिग्नापुर के महाराज, शनिदेव महाराज, और आप भी दर्शन कर लीजिए। ओम सन शनिचराय नमः, एक बार इस मंत्र का जाप कीजिए और सब लोग एक बार हाथ जोड़ के दर्शन जरूर कीजिएगा। पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें ये एक दान पात्र दिखाई दिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और इसके नीचे भी लिखा हुआ था ओम सम शनिचराय नमः। तो इस मंत्र का हमेशा जाप करते रहना चाहिए। फिर हम मंदिर में आगे बढ़े और हमें ये शनि रथ दिखाई दिया जो कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ये सिल्वर का है, बट देखने में लग रहा था। हमने पूरे मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से किए और आप सबको भी कराए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दिए बिना मत जाना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, अभी ये मंदिर और भी बन रहा है जो कि बहुत प्यारा लगेगा, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मंदिर अभी और भी खूबसूरत बन रहा है, तब ये और भी प्यारा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा फर्स्ट पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना प्यार ज़रूर देना। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हमारी फैमिली 1000 तक पहुंचने वाली है, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सब साईं बाबा की कृपा से और आप सबके प्यार से होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे साईं के सेकेंड पार्ट के साथ, और उसको भी देखना मत भूलना, बहुत ही प्यारा व्लॉग है वो भी आप जरूर देखना। टेक केयर, बाय बाय।